मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ऑडिशन लाइन में कैसे लगा जाता है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ, सुबह सुबह मेरे पास एक मैसेज आया ऑडिशन का कि आज ऑडिशन है। तो उसकी टाइमिंग है 12 से लेके 3 बजे बॉयज की और 3 से 6 गर्ल्स की। तो मैं अभी नहा धो के खा पी के तैयार हो चुका हूँ, आपको दिख ही रहा हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे ऑडिशन देने आरामनगर पार्ट 1 में। मैंने आपको पार्ट 2 दिखाया था पहले, जहाँ ऑडिशन होता है रामनगर में, और पार्ट 1 भी है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा और वहाँ पे ऑडिशन चलते हैं। तो ये जो बेसिकली है ना, ये शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन है, ये ओपन ऑडिशन है। ओपन ऑडिशन मतलब इसलिए होता है कि मान लो वो कुछ नया प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या फिर कोई नया प्रोडक्शन हाउस है, तो वो आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए ओपन ऑडिशन रखते हैं, ताकि जितने भी एक्टर हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके पास डाटा है और वो इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट आए तो उसको यूज करके आप लोगों को कास्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन ऑडिशन कैसे होते हैं, कितनी भीड़ होती है, क्या क्या होता है, ये आपको वहीं जाके पता चलेगा। तो चलते हैं हम आरामनगर पार्ट 1। दोस्तों अभी मैं आरामनगर पार्ट 2 में पहुंच चुका हूँ। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा, तुम्हें पता ही है पास में ही है। और इसका आरामनगर पार्ट 1 पड़ता है इससे इसके बैक साइड, इसके पीछे साइड पड़ता है। आरामनगर 2 और पार्ट 1 एक ही जगह पे, बस इनको डिवाइड कर दिया 1 और 2 में। इसके पीछे बैक साइड में 1 है और फ्रंट में 2। तो मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ ऑडिशन हो रहे हैं। तो गाइस, ये पूरा आरामनगर पार्ट 2 है, आपने देख ही रखा होगा। तो अभी हमको इसके पीछे साइड जाना है। तो वो वेदर फैक्ट्री देख रहे हैं, मैं उसके अंदर घुसूंगा और उसके उस साइड पीछे निकल जाऊँगा। आप कहीं से भी निकल सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैं उधर वहाँ से बाहर निकलूँगा, थोड़ी प्यास भी लग रही है, तो सोच रहा हूँ वहीं पर वाटर कूलर से पानी वगैरह पी लूँ। तो मैं वहीं से निकलता हूँ, फिर पूछता हूँ कि वह 113 कहाँ पड़ेगा जहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये वेदा फैक्ट्री है, यहाँ पे अंदर कैफ़े वगैरह सब है, उधर आप खा सकते हो, रुक सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। फिर उसके क्या पीछे बैक साइड वन है, तो मैं वहीं ले चलता हूँ। तो भाई ये अंदर का हैगा वेदा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन का काम। यार देखो ताला लगा है, मतलब पूरा प्लान फेल, देख रहे हो ताला लगा हुआ है। अब मेरे को यहाँ से वापसी बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके निकल के घूम के जाना पड़ेगा, जो पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं। बाकी अंदर का है, ये देखो यहाँ पे शोज़ वगैरह थिएटर सब होते। तो गाइस उधर से तो रास्ता था नहीं, ताला लगा रखा था उन्होंने। बाकी रास्ता है उधर जाने के लिए, लेकिन आज ताला लगा हुआ था इसलिए उधर से नहीं जा पाया। तो मैं आपको ले चलूँगा दूसरे रास्ते से। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रास्ते, आप किसी से भी जा सकते हो। तो मैं आपको दूसरे रास्ते से ले जाता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ वो रास्ता कहाँ पे है, शॉर्टकट सीधा पार्ट 1 में जाने का। ये देखो ये मेन है, ये ग्राउंड में है, इसके इस कोने पे जाना है और इधर छोटी सी गली है, उधर से मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन आपके पास पैदल या व्हीकल होगा तो कोई पॉसिबल नहीं है। और जो ये रोड दिख रहा है, यही पार्ट 1 है, यही पार्ट 1 है अपना पूरा। तो ज़रा भी पता करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा पार्ट 1 है। इधर बहुत सारे स्टूडियो वगैरह, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जहाँ ऑडिशन हो रहा है वो भी दिखा दूंगा आपको। तो पहले यार चलते चलते बहुत प्यास लग गई, तो पानी वानी मैं लेके नहीं आया, तो साथ में सोच रहा हूँ पानी की बॉटल ले लेता हूँ, फिर चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों मैंने पानी की बोतल ले ली है, तो मैं पानी पीऊँगा और देखो जाम कितना लग गया। मतलब यहाँ पे क्या है, ये मुंबई है ना, तो यहाँ पे जाम लग ही जाता है हर जगह पे। और यहाँ पे ना बहुत कंजेस्टेड एरिया, रोड भी बहुत छोटा छोटा है इस वजह से भी। तो मैं आपको ढूंढता हूँ पहले 213 किधर पड़ता, फिर आपको लेके जाता हूँ। ये पूरा एरिया पार्ट 1 में आता है, यहाँ पे अलग अलग स्टूडियो हैं, होटल्स हैं। देखिए ये भी रास्ता है, आप इस साइड से भी आ सकते हो, आप इस साइड से भी आ सकते हो पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 से ही आता है पूरा, यहाँ से जैसे ये डॉग्स का है। ये देखो यार,
यहाँ पे हम आ चुके हैं, कितनी भीड़ है आपको दिख ही रहा होगा, मतलब दूर से ही पता लग जाएगा जो भी आएगा कि यहाँ पे भाई कुछ चल रहा है। ये एक एंटी कास्टिंग है, मैं आपको इसके अंदर का भी दिखाता हूँ। ये देखो एंटी कास्टिंग, ये 79 आरामनगर, ये जो भी वेबसाइट है इनके स्कैनर है, यहाँ पे आप अपना भेज सकते हो। बाकी भीड़ देखो यार, देख रहे हो कितनी भीड़ है, ये सब वही ओपन ऑडिशन के लिए आए हैं। उधर भी हैं देखो, इधर भी, ये देखो भाई साहब कितनी भीड़ है, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी भीड़ होगी। आपको खुद ही देख लो यार, एक छोटे से ऑडिशन के लिए इतनी सारी भीड़। अब आपको अंदर लेके जाता हूँ मैं, जहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं वहाँ पे देखो लाइन लगी पड़ी है, दूर से दिख रहा है आपको, पास ले जाके दिखाता हूँ कितनी भीड़ है वहाँ पे। ये देखो भाई, देख रहे हो भीड़ देख रहे हो, मतलब जैसे कोई भंडारा चल रहा हो। और ये सब एक्टर हैं भाई सब, ये देखो लाइन यहाँ से चालू है, ये शायद वो लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं। ये देखो लाइन लगी पड़ी है, मतलब देख रहे हो यार, अभी जबकि मुझे आधा घंटा हुआ है मतलब ओपन हुए हैं। ये देखो ये लग रहा है ये जो मैनेज कर रहे हैं ना ये है। ये देखो टाइमिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, मेल 12 से 3 और फीमेल की 3 से 6। तो मैं और पीछे लेके जाता हूँ आपको, दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। चलो ये देख, चल देखते जाओ भाई, भीड़ देखो यार तुम, और कुछ नहीं, मैं तो देख के दंगू, इतनी भीड़ यार। ऐसे तो भाई नंबर कब आएगा, मतलब इनका हमारा लग रहा है 3 बजे तक नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, सब लाइन में खड़े हुए, देख रहे हो भाई कैसे खड़े हुए। ये देखो सब लाइन में खड़े हुए। मैं और दिखाता हूँ आपको, पीछे तक लेके जाऊँगा। ये देख रहे हो कितने सारे ग्रुप बना के भी खड़े हैं, बातें भी कर रहे हैं। ये देखो ये मेरा भाई, हाँ भाई नहीं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, बोल सकते हो, बोल सकते हैं। तो आप मतलब किस चीज़ की ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप? ये एक्चुअली मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मतलब ऑडिशन वगैरह होते हैं या मुंबई के बारे में, उस चीज के लिए। तो मुझे पता लगा इधर ऑडिशन हो रहे हैं तो मैं देखने आ गया। अंडमान एंड निकोबार से मुंबई में अपना करियर बनाने आया हूँ अभिनेता के तौर पर। अंडमान एंड निकोबार जो की यहाँ से कोई इंडिया का हिस्सा ही नहीं एक तरह से, अच्छा वहाँ से अपना करियर, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है क्या? वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है लेकिन वो कपड़े उतरवा के काम करवाते हैं। अच्छा अच्छा, तुम कर लो फिर ट्राई, उसमें देखते हैं, अगर मौका नहीं मिला वापस जाना अंडमान, 4 दिन तो जाने में लगेंगे यहाँ से। अच्छा, आप सबने देखा कितनी ज्यादा मतलब लाइन लगी हुई है यहीं पे। हमारे 2-3 भाई हैं मतलब बड़े बड़े हैं, काफी एक्सपीरियंस वाले, तो उनसे पूछते हैं कि कैसा लगता है भाई। एक मिनट, मैं चश्मा में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता हूँ, कोई नहीं पहले। हाँ तो मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या, मतलब कितने टाइम से आप इस लाइन में? मुझे करीब मतलब मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था, मुझे ऐसा लगता था मैं बचपन से एक्टर बनूंगा और कुछ ऐसा करूंगा शायद दुनिया देखती रह जाएगी, लेकिन वो सपना अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। मैं आज 23 साल का ऊंट हो गया लेकिन अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे इस ऑडिशन के लिए मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से आया हूँ। अंडमान निकोबार से? हाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे रात को यही टिकट हो गया था और तब से भैया तब से इंतजार कर रहा हूँ लाइन का, लेकिन लाइन खत्म नहीं हो रही है, मेरी उम्र खत्म हो रही है पर लाइन खत्म नहीं हो रही है। पता नहीं मतलब यहाँ पे टाइम दिया गया था 12 बजे से, मैंने मतलब देखा 12 बजे से, अभी 12:30 ही हो रहा है। मैंने पूछा कि उन्होंने मतलब बंद कर दिया ऑडिशन लेना, मतलब नंबर देना, मतलब कितने बजे से यहाँ पे लोग आ गए? पता नहीं लोगों का तो पता नहीं, बस मैं सुबह के रात के 9 बजे से यही लेटा हुआ, यही पड़ा रहा, यही खाया, सुबह शौचालय में नहाया धोया और उठकर आ गया, लेकिन अभी भी लाइन का कोई अता पता नहीं है। शायद हो सकता है सपने यही खत्म हो गए, लेकिन मेरा आखिरी ऑडिशन है, अंडमान निकोबार वापस चला जाऊंगा। आ जाओ मेरा इंटरव्यू भाई, उधर नेपाल की तरफ है अंडमान? नहीं भैया, हमारे एक और भैया हैं उनसे भी हम बात करते हैं। ये नहीं हूँ क्या? अरे ये वाला आपका भी आएगा, फोन पकड़ने को गया था भैया। सर आपका नाम क्या है? राम गलान चैट में खड़े लाइन में, यहाँ से वहाँ तक नाम ही नहीं है। अच्छा, मतलब कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? जैसे 12 बजे का था ना, सीरियस क्या देना, सीरियस मिला नहीं आज तक। ठीक है, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने टाइम से ऑडिशन दे रहे हो? बस पहला दिन है, पहली बार आए हैं, देख रहे हैं पूरा फौज खड़ी है यहाँ से। हाँ भैया ठीक है, धीरे धीरे, ये दुख है। अच्छा यही हो रहा है, कोई नहीं। तो दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जहाँ मैं भैया का इंटरव्यू ले रहा था,
मतलब पूछ रहा था उनसे, उसी के बगल रूम में अपना इंट्रो चल रहा था, तो मतलब उधर हमारी आवाज़ जा रही थी ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई शांत रहो, तो मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया। बाकी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और ये देखो ये मेल आईडी है इनकी, आप इस पे मेल कर सकते हो। ये देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, मेल आईडी kacasting2022@gmail.com। तो आप अपना यहाँ पे भी आके अपनी मेल प्रोफाइल भेज सकते हो, प्रोफाइल वगैरह। ये देख लो भाई, भीड़ देखो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जबकि इन्होंने बोल दिया है कि भाई अब एक्स्ट्रा बंदों को नहीं ले रहे, जितने लेने थे उतने हम ले चुके हैं, फिर भी लोग बार बार आ रहे हैं और भीड़ लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार। देख रहे हो कैसे भीड़ सी लगी है, झुंड लगा पड़ा है। ये देखो ये भाई हमारे टोपी वाले ये समझा रहे हैं, देख रहे हो यार। मतलब यार आप खुद सोचो कि बंदे ऑडिशन देने आते तो कितना स्ट्रगल है इस लाइन में, कितनी भीड़ होती है, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यार। और जो ये मैनेज कर रहा है उसको कितना समझाना पड़ रहा है। मतलब यार है, मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिंग लाइन में स्ट्रगल नहीं है, बहुत ज़्यादा है यार इसमें। मतलब और फील्ड से ज़्यादा मुझे तो इसी में ही लगती है कि इसी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये देखो भाई हमारे समझा रहे हैं, देख रहे हो, बोल रहे मेल कर दो आईडी में, ईमेल आईडी में प्रोफाइल अपनी। और देखो भाई मतलब भीड़ भी हटानी है, इनको समझाना भी है, और सब कुछ प्यार से करना है यार। ये देखो यार मतलब भाई भीड़ देख के ही ना, देखो मैं एंड तक नहीं ले गया था, मैं अभी आपको लेके जाता हूँ बिल्कुल एंड तक। बीच में उन भैया ने रोक लिया था मुझे, इंटरव्यू ले लो मेरा बोल के। ये दिखाता हूँ, देख रहे हो मतलब बंदे बॉडी बिल्डर अच्छे खासे हट्टे कट्टे ये सब है यहाँ पे। भाई जो इनका मेन ऑफिस है वो यहाँ पे है, 113 TWC, ये देख सकते हो यहाँ पे। अभी इंट्रो ऑडिशन है तो बहुत भीड़ है, बाकी यहाँ पे भी खाली रहता है। इन्होंने अपनी वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखा है, तो आप दे सकते हो। कभी मैं उस साइड आप लेके जाता हूँ और देखता हूँ अब कितनी भीड़ बढ़ चुकी होगी। तो भाई चलते हैं, बंदे बाइक से आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं यार ऑडिशन देने, देख सकते हो तुम भाई। देख रहे हो मतलब यार लगे पड़े हैं अपना। ये देखो जबकि बोल चुके हैं कि भाई अभी ख़त्म हो गया आप घर जा सकते हो, लेकिन फिर भी बंदे घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पे लड़कियों का भी होने वाला, तो लड़कियाँ अभी आ चुकी हैं एक आधी, देखो दो तीन लड़कियाँ। मतलब ये लोग टाइम से पहले ही पहुँच गए ताकि इनका जो क्यू सीट होती है उसमें नाम लिख जाए। तो ये क्या होता है ना, अगर क्यू सीट में एक बार नाम भर गए तो उनका देखते हैं कि हाँ 6 बजे तक इतने निकल जाएंगे, जैसे बॉयज़ का 3 बजे तक इतने निकल जाएंगे, 300 लोग तो हो जाता है भाई, 300 प्लस हो गए हैं। बाकी ये बाहर का दिखाता हूँ मैं आपको, अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं जब से इन्होंने मना कर दिया कि हाँ भाई अब ख़त्म हो गया। तो अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ स्टूडियो जो आजू बाजू है इसके, जैसे ये हो गए कास्टिंग क्यूब करके। ये देखो मैं आपको और पास से दिखाता हूँ, ये स्कैन है, आप स्कैन करोगे ना तो इनकी डाटाबेस खुलता है, उसमें अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो। बाकी ये ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, ये देख लो भाई ये ऑफिस का अंदर का व्यू है। ये देखो आपको दिखा ही चुका हूँ, वहाँ पर सेम चीज़ है, इस नंबर पर आप प्रोफाइल भी भेज सकते हो। देख रहे हो मतलब भीड़ अभी भी भीड़ बनी हुई है, लोगों में अभी भी उम्मीद जिंदा है कि भाई ये फिर से बुला लेंगे, कहेंगे लाओ इंट्रो दो। ये एंटी कास्टिंग है जो आपको दिखाया था मैंने पहले, लेकिन मैं उधर अंदर भीड़ की बनानी थी वीडियो तो मैं पूरी बना नहीं पाया, तो अभी अच्छे से और अंदर लेके आया हूँ आपको। तो अभी अंदर चलते हैं देखते हैं। ये भाई यहाँ पे भी सेम है, स्कैन करो अपनी प्रोफाइल भेजो, ये भी सेम चीज़ ही है, ये भी अपना वही है, स्कैन करो भेजो। आजकल डिजिटल हो गया ना हर चीज़, तो सीधा प्रोफाइल वहीं पे ही भेज दो। देखो यार मतलब आप खुद सोच सकते हो कि यार एक्टर बनना मतलब कितनी, मतलब आपके पास टैलेंट के साथ साथ आपका लक भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना, यहाँ पे ऑडिशन मान लो 10 करेक्टर हैं, 10 करेक्टर छोड़ो यार, एक करेक्टर के पीछे ना 100, 200, 300 से ऊपर लोग आ जाते हैं, सोचो।
एक काम को करने के लिए 300 लोग आ जाते हैं, जिसमें से 300 में कम से कम मान लो होंगे भी तो 100 लोग तो होंगे फिट, तो फिर उन 100 लोगों में से किसी एक को छाटना यार, मतलब समझ सकते हो ना। तो भैया मुझे यहाँ पे समोसे वाले भैया दिखे थे, तो मैंने इनसे दो समोसे ले लिए, 20 रुपए के 4 समोसे दे रहे थे, मैंने 10 के 2 समोसे ले लिए। देख सकते हो यार, मतलब यहाँ पे अपना बिजनेस करने भी आ जाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है ना, तो भूख तो लगेगी लगेगी। दोस्तों आपने देखा कि यार वहाँ पे मतलब कितनी ज्यादा भीड़ थी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, आपने देख ही लिया होगा। और एक्चुअली यार क्या था, ऑडिशन का टाइमिंग 12 बजे से 3 बजे का था, लेकिन यहाँ पे लोग जैसे भाई ने बताया सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे 7 बजे से आके पहले से ही बैठ जाते हैं, और कई लोग तो यहीं पे रेस्ट कर रहे होते हैं, सोचते हैं भाई लाइन पे लगे रहेंगे, जल्दी ऑडिशन दे देंगे, इंट्रो दे देंगे। और पहली बात यार ये ऑडिशन का आया था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी ना, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे भीड़ थी, तो ऑडिशन देने में टाइम लगता है, मतलब 5 मिनट लग जाता है, 3 से 5 मिनट, लेकिन इंट्रो देने में 1 या 2 मिनट लगता है। तो इन्होंने क्या किया, इंट्रो भी देना चालू कर दिया, मतलब बोला कि भाई अभी खाली इंट्रो होंगे, तो मतलब इंट्रो ही लिया इन्होंने। और टाइमिंग देख लो यार, मतलब मैं 12:30 बजे पहुंचा, 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में 300 से प्लस हो गए, तो इन्होंने मना कर दिया, खाली 300 लोगों की एंट्री ली, और बोला भाई 300 लोग बहुत है, क्योंकि 3 बजे तक ही हमें यहाँ पे करना है, उसके बाद 3 बजे के बाद गर्ल्स का लड़कियों का स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इन्होंने 300 तक ही लिए, ताकि जो 3 बजे तक कवर कर ले। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे थे कि अपने लिए खड़े थे, बार बार आ रहे थे, पूछ रहे थे। और यार मैं सोच रहा था जो कास्टिंग कर रहा है उनसे बात कर रहा था, थोड़ा मिलता, लेकिन मैं वो मिल नहीं पाया, क्योंकि उसका कारण ये था कि भाई वो बंदे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, समझा के कि भैया अभी बंद हो गई है, नाम लिखना बंद कर दिया, आप मेल कर दीजिए, मेल आईडी मैंने आपको दिखाई, मतलब वो हर किसी को बता रहे थे। और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो हटा भी रहे थे, क्योंकि आजू बाजू और भी घर है, तो उनको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी तो कंप्लेन कर देंगे, तो इनको ही प्रॉब्लम होगी, तो बार बार बोल के हटा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा। सोचो ना यार, हर बंदा दो मिनट गया, हर 10 सेकंड में कोई आगे पूछे भैया चल रहे हैं, भैया अभी चल रहा है, भैया चल रहा है, तो बंदे को पूरी डिटेल फिर दोबारा बताओ, मतलब समझ सकते हो यार कि कास्टिंग करने वालों का कितना पूरा वो होता होगा, पूरा माइंड। तो यार ये उनको भी सैल्यूट है जो कास्टिंग करते हैं, जो बाहर मैनेज करते हैं, मेन अंदर नहीं, जो बाहर मेन जो बाहर हैं वो मैनेज करते हैं, उनको सैल्यूट है कि भाई वो मतलब हर किसी को समझाते हैं, प्यार से बोलते हैं, मतलब ज़्यादा वो बोलें तो लड़ाई होने के चांस होते हैं, यहाँ पे सब अपने अपने में रहते हैं, लड़ाई होने के चांस हो जाते हैं, तो इसलिए वो मतलब प्यार से रिक्वेस्ट करके समझाते हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके लिए उनको मतलब पेशेंस देखा जाता है। बाकी दोस्तों आपने देख ही लिया, इसी तरीके से ओपन ऑडिशन होते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत होती है और आपको बहुत जल्दी आना पड़ता है, और ये लगभग मेरे रूम से 10 मिनट की दूरी में था, पीछे ही था जस्ट, फिर भी मैं लेट हो गया, और भी कुछ काम के चक्कर में, क्योंकि आज यार मैंने कपड़े धोने के लिए सुखा रखे थे, तो मैंने सोचा नहीं था कि अचानक ऐसा कुछ आएगा, बट मैंने आपको दिखाने के लिए अपना सारा काम वाम छोड़ा और मैं आया दिखाने के लिए। बाकी आगे जो भी होगा मैं बताऊँगा, ऐसे ही बने रहो मेरे साथ, यानी कि ऋषभ ब्लॉगिंग के साथ। और प्लीज़ यार इतनी मेहनत करता हूँ तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सो मैं आपको एक और जगह ले चलता हूँ, वहाँ पे भी ऑडिशन इंट्रो होते रहते हैं, तो मैं पहले पूछ लेता हूँ कि अभी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या ईमेल आईडी जो भी है वो मैं क्लिक कर लूँगा उनकी। तो मैं ले चलता हूँ, ये ब्यूटी स्किन के ऊपर हैगा, तो जाके पूछता हूँ कुछ होगा तो। तो भाई यहाँ पे भी सेम वही केस था कि क्या नाम है, आप ईमेल आईडी में अपना इंट्रो सेंड कर दो, ऑडिशन वीडियो सब सेंड कर दो, कुछ होगा तो बताएंगे, क्योंकि यार इनको पता है ना कि अभी हम ओपन रख लेंगे तो अचानक से आएंगे, और देख रहे थे ना कैसी भीड़ है, वैसी भीड़ हो जाएगी और इनको हैंडल करने में मुश्किल होगी। और उसका क्या था यार, उसका एक्चुअली मेरे को लग रहा था ना वो कोई नया प्रोडक्शन है जिनको डाटा चाहिए, तो वो डाटा के लिए अपना ओपन रखा सब कुछ, ताकि उनको जल्दी से जल्दी डाटा मिल जाए, क्योंकि यार मेल में इस समय लोगों को पता है वो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन आप ओपन ऑडिशन लिख दो ना तो बहुत भीड़ मिल जाती है, तो उनको कम समय में बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाता है। मे भी इस वजह से भी उन्होंने ये चीज़ किया हो, बाकी कंफर्म तो मैं भी नहीं बता सकता, जैसा भी होगा तो मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट आरामनगर पार्ट 1 पूरा दिखा ही दिया है। इधर से ज़्यादा ऑडिशन जो भी वीडियो होते हैं वो पार्ट 2 में चलते हैं, लेकिन 1 में भी चलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है स्टूडियो जितने भी हैं, तो मैं आपको पूरा दिखा ही दिया हूँ। तो अभी जैसा भी होगा, गर्ल्स का देख रहा था मैं, तो अभी 3 बजने ही वाले हैं, 200 पर तो हो ही गए हैं, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस अभी लड़कियों का नंबर आ चुका है, उन्होंने लाइन लगा ली अपनी, अब उनका ऑडिशन देने की बारी आ गई है, तो आप देख सकते हो यार उनकी लाइन पूरी लगी हुई है। मैं इनकी ज़्यादा ब्लॉगिंग तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, बाकी जितना हो सकता है उतना दिखा सकता हूं मैं आपको कि किस तरीके से लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी स्ट्रगल करती हैं। हालांकि हाँ उनकी संख्या बहुत कम है,
मतलब बहुत कम है, लड़कों की बहुत ज़्यादा है, फिर भी देख सकते हो।